नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड विद मनोज में। इस हफ्ते द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भाई और बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और सन्नी कौशल मेहमान के रूप में आए, लेकिन यह सुनील ग्रोवर ही थे जिन्होंने सारी सुर्खियां बटोर ली और शो के असली स्टार बनकर उभरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच 6 साल के लंबे अंतराल के बाद मनमुटाव खत्म होना कपिल के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए जादुई औषधि साबित हो रही है। इस हफ्ते शो में दोनों भाइयों और बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और सन्नी कौशल को कप कैफे में झूला झूलते हुए देखा गया, लेकिन वो सुनील ग्रोवर ही थे जिन्होंने सारी सुर्खियां बटोरी और शो के असली स्टार बनकर उभरे। शो का 4th एपिसोड 50 मिनट के रन टाइम के साथ कपिल के पिछले शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो से काफ़ी मिलता जुलता है। शो की शुरुआत एक स्केच कॉमेडी शो से हुई जिसमें सुनील ग्रोवर ने एक खोई हुई महिला को हवाई अड्डे पर अपने पति की तलाश करते हुए दिखाया। कपिल और सुनील की हंसी मजाक ने शो के लिए एकदम सही माहौल तैयार कर दिया और प्रशंसकों को याद दिलाया कि वे पिछले 6 सालों से क्या मिस कर रहे हैं। दोनों हास्य कलाकारों के बीच एक अचूक लय है जो एक दूसरे को वर्षों से जानने के कारण बनी है। जब उनका मजाक अचानक से शुरू हो जाता है तो वो आनंद की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, जिसमें अक्सर वे अपने चरित्र को तोड़ देते हैं और अपने अभिनय के बीच में हंसी मजाक करते हैं, जिससे उनके दर्शक उनकी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक दृश्य में जब विक्की कौशल का एक लाइनर स्क्रिप्ट को अस्त व्यस्त कर देता है तो सुनील तुरंत चरित्र को तोड़ते हैं और एक असहाय मुस्कान के साथ कपिल की ओर देखते हैं और कहते हैं, सारा स्क्रिप्ट उसने खराब कर दिया। इस एक पल ने विक्की और दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। बाद में सुनील ग्रोवर इंजीनियर चुंबक मित्तल के किरदार में लौटे। इस सेगमेंट में दोनों हास्य कलाकारों ने एक दूसरे पर मजाकिया कटाक्ष किए, जिसमें सुनील ने शो को मजेदार दिखाने के लिए कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह की जोर जोर से हंसने की रणनीति को उजागर किया। यहाँ लेखन श्रेय का पात्र है, क्योंकि यह न केवल कपिल को अपने सहकर्मियों पर मजाक उड़ाने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें उनकी चालों और कमियों को उजागर करने का समान मौका भी देता है, जिससे मजाक अधिक संवादात्मक और प्रामाणिक हो जाता है। जबकि सुनील ग्रोवर ने निसंदेह इस एपिसोड में पूरा शो चुरा लिया। कृष्णा अभिषेक ने एक हताश एयर होस्टेस का किरदार निभाते हुए कुछ प्रफुल्लित करने वाले वन लाइनर्स भी दिए, जिसमें विक्की और सनी के पिता श्याम कौशल के बारे में एक गुदगुदाने वाला चुटकुला भी शामिल था। हालांकि कीकू शारदा के सैफ धनियालाल और राजीव ठाकुर के अनाम परिचारक जैसे किरदार कम पड़ गए। प्रभावशाली लाइनों की कमी थी और शो के अभिन्न हिस्सों की तुलना में फिलर्स के रूप में अधिक काम कर रहे थे। हालांकि सैफ धनियालाल को अभी भी सम्मानजनक स्क्रीन टाइम मिलता है। राजीव ठाकुर का किरदार इस सीरीज में अब तक केवल विराम चिन्ह तक ही सीमित रह गया है, जबकि 4th एपिसोड में स्केच कॉमेडी सेगमेंट 3rd एपिसोड के हंगामेदार हास्य की तुलना में थोड़ा फीका लग रहा था। नवीनतम एपिसोड का टॉक शो हिस्सा भी नहीं दिखा, बिल्कुल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। कपिल के प्रशंसक अपने सुपरस्टार मेहमानों से सहजता से मनोरंजक किस्से सुनाने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस एपिसोड में एक विचित्र गटर कहानी के अलावा कौशल बंधु अपेक्षाकृत आरक्षित रहे और शो की ऊर्जा से मेल खाने में विफल रहे। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले एपिसोड में आमिर खान गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।